सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। वो पहाड़ कुछ दिखाई नहीं दे रहे, पूरा सादा सादा हो गया, बहुत सारा कुहासा हो गया। बेटू नींद पूरा नहीं हुआ? आंखें चिम चिम कर रहे हैं। बेबी 10:30 में उठ गया है मेरा बिट्टू। इतना देर तक सोते हो, दोपहर में सोने का मन नहीं है? इतना ज्यादा सो लिया, और ये सोने के कारण मेरा सब काम भी खत्म हुआ। एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है बेटा तू देर से उठने का। ये फायदा होता कि तू सोएगा तो मेरा सारा काम हो जाएगा, और ना सोएगा तो मेरा काम नहीं होगा। और दूसरा है, दोपहर में नहीं सोओगे जब मेरा रेस्ट का टाइम होगा। आज नाश्ता में ये मैगी खा रही हूँ, और बेटू नहा के भी रेडी हो गया है, तो ऊपर छत में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वो देखने के लिए उसका दीदा ले जाएगा, इसलिए मैं इसको रेडी कर दिया हूँ। तो थोड़ी देर ये ऊपर जाएगा तो मेरा या नीचे काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको उसका दीदा के साथ भेज रही हूँ, तो मैं अपना काम कर लूँगी उस वक्त तक। दोपहर का 1:30 हो चुका था, तो बेटू को खाना खिलाना था तो आए नहीं, तो मैं छत में लेने गई तो खेल रहे थे धूल मिट्टी, और जाने के लिए बोले तो बस रो रहे थे, और जबरदस्ती करके इसको ले आई हूँ। बहुत मुश्किल हुआ था। चलो चलो घर, चलो आजा आजा आजा, चलो चले जाते हैं। कल से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, पूजा का प्रोग्राम, और सुबह का नाश्ता से लेकर खाना तक यही हो रहा है कल से, तो आज भी रात का खाना यहीं पे है। और बहुत सारा प्रोग्राम भी हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे शूट करना नहीं मिला क्योंकि मैं नीचे काम कर रही थी, और अभी मैं फ्री हो गया था तो आया था, प्रोग्राम भी खत्म हो गया था। মানে প্রত্যেক আনন্দের একটা উৎসব আর কি, সবাই খুব ইনফর্ম আছে। আমি তো দেখছি রঞ্জন বাবুর বিয়ে বাড়ি গেছে, তার মেয়েরা যাচ্ছে না, কেননা এখানে আনন্দ ফেলে তারা যাবে না। এই আনন্দটা কোথায় খুঁজে পাবে, এটাই বড় কথা। আমি কিছু বলবো না, সকলকে ধন্যবাদ জানাই, আগামী দিনের শুভেচ্ছা রইলো। আগামী দিনে রাতে ডিনার কে লিয়ে সব কাজ রেডি হয়ে রাখা হ্যায়। চলে যাবো।